क्या हुआ जब कुएं में 17 सालों तक कैद रहा साधु और बाहर आकर जो सच्चाई बताई वो सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्री यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। ये सत्य चमत्कारिक घटना है राजस्थान के अजेरी गांव की। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े दिव्य साधु महाराज रहा करते थे जिन्होंने काफ़ी समय से एक विद्या की तैयारी की थी जिसे सफल बनाने के लिए वो अपनी इच्छा से एक कुएं के अंदर उतर गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि मैं अगले 21 सालों तक इस कुएं के अंदर ही शांति से तपस्या करना चाहता हूँ। ध्यान रहे, मेरी इस तपस्या में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए वरना पूरे गांव को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं समस्त लोगों का देव भ्रमण करके व स्नान करके इस कुएं से सालों के बाद बाहर निकलूंगा। जिसके बाद वो साधु महाराज उसी कुएं के अंदर तपस्या में लीन हो गए। अब देखते ही देखते कई साल बीत चुके थे। गाँव वालों को लग रहा था उन साधु महाराज ने कुएं के अंदर ही समाधि ले ली है। उस कुएं के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था अगर गलती से भी कुछ गलत हुआ तो उसका हर्जाना पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस घटना के बारे में 17 साल बाद कुछ सरकारी अधिकारी इस कुएं के पास दिखाई दिए। जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा, आप सभी यहाँ क्यों आए हैं? तब उनका कहना था कि सरकार इस स्थान पर एक फैक्ट्री बनाना चाहती है जिसके तहत इस कुएं को भी हटाना होगा और इस पूरी ज़मीन को अच्छी तरह से साफ करना होगा। गांव वालों का कहना था कि पिछले 17 सालों से एक साधु महाराज इस कुएं के अंदर तपस्या में लीन है और वे समस्त देव लोगों का भ्रमण करने के बाद ही पुनः लौटेंगे। अगर आप लोगों ने उन्हें छेड़ने की गलती करी तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। उन अधिकारियों ने इन सभी बातों को अफवाह समझकर टाल दिया। अगले दिन उस कुएं को भरने की तैयारी कर दी लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस जगह पर तेज़ बरसात होने लगी और ज़बरदस्त तूफान आ गया जिस कारण वे लोग कुएं को उस समय नहीं भर पाए और भगवान की नियति ऐसी रही कि अगले दिन उन साधु महाराज की तपस्या पूर्ण हो गई और साधु महाराज 17 साल बाद उस कुएं से बाहर निकल आए। ये नज़ारा देखकर सारे अधिकारी और गांव वाले हैरान थे। उन साधु महाराज का कहना था कि इस विद्या की मैं बचपन से तैयारी कर रहा था और पिछले 17 सालों में इसका फल मुझे मिला है कि मैं बैकुंठ जाकर आया हूँ, ब्रह्म लोक में स्नान करके आया हूँ, ब्रह्मा के दिव्य दर्शन करके आया हूँ। जिसके बाद सभी गांव वालों ने उन साधु महाराज का दूध से स्नान कराया और सभी उनके चरणों में गिर पड़े। उन साधु महाराज ने सारे अधिकारियों से कहा कि ये जगह बहुत ही चमत्कारिक है, मैंने यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त किया है, अगर तुम लोगों ने यहाँ कुछ भी बनाया तो इसका महत्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन अधिकारियों ने उन साधु महाराज की बात नहीं मानी और फैक्ट्री बनाने का काम जोरों शोरों से चलने लगा। लेकिन 4 हफ्ते बाद ही अचानक 4 मजदूरों को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। सभी इस घटना से बहुत ही हैरान थे लेकिन गांव वाले इसके पीछे की सच्चाई जानते थे। उन सरकारी अधिकारियों के घर पर तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी और एक समय ऐसा आ गया कि कोई भी मजदूर उस जगह पर काम करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद सरकार को मजबूरन उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा और उस कुएं को भी पुनः खाली कराया गया। उन साधु महाराज की समस्त बातें सच हुई थी इसलिए सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और अपनी इस तपस्या के बाद उन साधु महाराज ने अजेरी गांव में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत नाम कमाया। कई न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू भी लिया गया था। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।